बिहार चुनाव में जब बात निकली है तो आपको एक और शख्सियत का नाम हम आपको बताना चाहेंगे और वो शख्सियत है बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। आरजेडी के टिकट से सहरसा से इस बार चुनाव लड़ रही है लवली आनंद। से आज खास बातचीत हमारी होगी और उनसे उनकी पर्सनल लाइफ की बातें भी हम जानेंगे और साथ ही राजनीतिक एजेंडा क्या है, आगे का विजन क्या है बिहार को लेकर के, इसके बारे में भी बातचीत होगी। तो ये सहरसा में लवली आनंद का घर है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आई हुई है और आज यहीं पर उनके साथ वक्त बिताया जाएगा। उनके विधानसभा क्षेत्र में भी हम जाएंगे, लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस बार लवली आनंद से उम्मीदें कैसी हैं। तो आइए सीधे उनके घर में चलते हैं। तो लवली आनंद जी, सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में ऐसी बातें बताइए हमारे दर्शकों को जो अभी तक आपने कहीं नहीं बताई हो, जो नहीं जानते हो लोग। हम लोग का जो परिवार है वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है। मेरे भी पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और आनंद मोहन जी का भी परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है। उनके दादाजी को कोसी का गांधी कहा जाता, खुद आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन के उपज हैं। हमारे तीनों बच्चे जो है बिल्कुल संस्कारवान हैं, ज्ञानवान हैं। नहीं कहिए कि माँ बड़ाई कर रही है, इन्होंने अपना संघर्ष अपने आप किया है। मैं किसी बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाई, दुर्भाग्य से ये बच्चे को उतना माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, लेकिन ये अपने आप को हमारे बच्चे ने संभाले। उनका 14 साल हो गया और 14 साल का समय बहुत होता है जीवन के लिए, 12 साल में एक युग परिवर्तन होता है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने लोगों को हमेशा ऊर्जा देने का काम किया। जब हम लोग निराश हो जाते हैं, समर्थक निराश हो जाते हैं, तो आनंद मोहन जी जेल में रहते हुए ऊर्जा देने का काम करते हैं और उनको देखने के बाद हम लोग की निराशा दूर हो जाती है। बाहुबली से आप क्या समझती हैं, आपको कैसा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि बाहुबली नेता की पत्नी है लवली आनंद? आप तमाम लोग को, आप लोग को हमने बता दिया अपना बैकग्राउंड कि किस तरह के बैकग्राउंड में हम लोग का है जन्म। दोनों फ्रीडम फाइटर हमारे परिवार, मेरे दादाजी आनंद मोहन जी के दादाजी, दोनों मित्र कोसी के गांधी आनंद मोहन जी के दादाजी कहे जाते। तो आनंद मोहन जी हमेशा से गलत का साथ नहीं दिया, किसी के साथ भी अन्याय हुआ तो उन्होंने खुल के विरोध किया। तो इसमें जो है हम ये कहेंगे कुछ मीडिया वाले उन्हें बाहुबली कर किया, तो आनंद मोहन जी तो हमेशा बोलते भी रहेगा अगर हमको आप लोग बाहुबली कहते हैं तो क्या राम और कृष्ण बाहुबली थे जिन्होंने गलत का विरोध किया? अगर राम और कृष्ण बाहुबली थे तो मैं भी बाहुबली हूँ, तो हमें जो कह दीजिए। हमें ऐसा लगता कि गलत का उन्होंने हमेशा से विरोध किया तो उसी के कारण बाहुबली उनका नाम रखा गया। आज अगर वो चाटुकारिता करते तो आज वो जेल में नहीं होते, बाहर होते, मंत्री संतरी होते। क्योंकि आनंद मोहन जी की लगातार बातचीत हो रही है तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आनंद मोहन दरअसल गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या मामले में जेल में सजा काट रहे हैं और पिछले 14 साल से जेल में बंद हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।